नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जलाओ दिए खुशियों के लिए। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। हालांकि इस बदलते परिवेश में मिट्टी के दियों का स्थान चाइनीज लाइटों और झालरों ने ले लिया है, जिसके चलते कुम्हारों का घर दीपावली पर जगमग नहीं हो पाता है। सस्ती चमचमाती चीनी लड़ियों की वजह से ही देसी बाजार साल दर साल मंदा होता जा रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरह कुम्हारों के रोजगार पर आधुनिकता की मार पड़ रही है। दीपावली का पर्व उमंग, खुशी और उजाला, बाजारों में रौनक लौटने लगी है। उदासी छोड़ उम्मीदों का दामन थामा जा रहा है। कई मजबूरियों के कारण अपनों के पास जाने की त्योहारी गहमा गहमी भले ही पहले जैसी नहीं दिखती, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर जगमग हो रहा है। चाइनीज लाइट के बढ़ते प्रचलन के चलते मिट्टी का दिया बनाने वाले लोगों के घर में दीपावली जैसे त्योहार के मौके पर खुशी नहीं होती। इन लोगों का कारोबार धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, वो कैसे जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दीपावली का पर्व हो और रोशनी ना हो तो त्योहार तो फीका लगेगा ही। त्योहारों की रोशनी को जगमग करने में अहम भूमिका निभाने वाले दियों का महत्व सालों से चला आ रहा है। बेशक दियों की परंपरा आज भी जारी है, पर समय के साथ साथ इसका ट्रेंड जरूर बदल गया है। आधुनिकता की चकाचौंध में साधारण मिट्टी के दियों की डिमांड बिल्कुल फीकी हो गई है। समय के साथ साथ पिछले 2-3 सालों को देखें तो डिजाइनर दिए साधारण दियों की जगह ले चुके हैं। अब डिजाइनर दिए भी कोई 1, 2, 3 तरह के नहीं बल्कि ढेरों किस्म की वैरायटी में तैयार होने लगे हैं। चाइनीज लाइट और अन्य उत्पादनों ने मिट्टी शिल्पकारों की रोजी रोजगार और आमदनी को काफी प्रभावित किया है। पिछले कई सालों से चाइनीज लाइटों समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने दीपावली में मिट्टी के दियों का स्थान ले लिया है। अब दीपावली में ज्यादातर लोगों के घरों में रंग बिरंगी चाइनीज लाइट जलती हैं। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर लाखों की संख्या में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बदहाल हैं। दिवाली आती है तो कुम्हारों के दिल में आस जगती है कि इस बार दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। और ये इसके ये दीपावली की तैयारी चल रही है और इस पे पहले तो बहुत कमाई थी लेकिन अब इतनी कमाई नहीं है क्योंकि सब इसकी मटकों की जगह तो फ्रिज ने ले ली है और जो दीपावली के सामान चल रहे हैं इनकी जगह जो बिजली का काम आ गया है। और पहले तो इतनी बचत थी लेकिन अब इतनी बचत नहीं है क्योंकि हमें बच्चों की फीस और घर के खर्चे इनकी बचत नहीं हो पाती। और दीपावली पे दिए चल रहे हैं दिवाली के और ये करवा चौथ के लिए करवे बना रहे थे। अब दीपावली जैसे छोटे दीपक बड़े दीपक मटके वगैरह। हाँ मटके, ये बर्तनों का काम करता हूँ मैं, पर क्या करें मिट्टी। हाँ मिट्टी का काम करता हूँ, मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ और इसमें कि ना क्या करें, सीजन में करते तो हैं पर बचत नहीं है इनमें। है जी, क्यों महंगाई ज़्यादा होगी, इसमें बच्चे की पढ़ाई भी है हैं, लिखाई में कह रहा बहुत मुश्किल है। मिट्टी है, मिट्टी मोल मिलती है जी, कभी की मिलती आती है कभी नहीं मिलती है जी। क्या बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो? ये दिवाली के दीपले बना रहे हैं, दीवे बनाते हैं जी। है जी, और किमी ये मटके उटके थोड़े बहुत बना लेते हैं। है जी, क्या करें कि मजबूरी है, करना पड़ता है। हाँ गुजारा नहीं जी, मुश्किल है जी। दीपक बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, अब देखो इनमें कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। अभी तो बच्चे भी लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं, अब तो ये त्योहार के बाद में पता चलेगा भाई कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। और महंगाई इतनी हो रही है, मिट्टी भी यहाँ नहीं मिलती है, मिट्टी भी दूर से मंगाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत अगर सरकार से सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छी है।
हमारी तरफ भी सोचे कि भाई ये सारे दिन मिट्टी में लगे रहते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब, तो जितनी मेहनत है उतनी मिलता नहीं है। मतलब दीपावली के त्योहार को लेकर हर कोई दुकानदार अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए रहता है, चाहे वो बड़े शोरूम का मालिक हो या फिर पटरी पर सामान बेचने वाला दुकानदार। दिन हो या रात, कुम्हार और उसका पूरा परिवार इस उम्मीद के साथ मिट्टी के बने दीपक और अन्य सामान तैयार करता है ताकि दीपावली पर अच्छी बिक्री हो सके। कुम्हार परिवार मिट्टी की महंगाई से भी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि मिट्टी महंगी हो गई और मिट्टी से बने दीपक और बर्तनों की मांग भी काफी कम हो गई है। उनके पैतृक व्यवसाय को बड़े शोरूम वालों ने छीन लिया है। दीपावली के त्योहार को लेकर मिट्टी के दीपक और घड़े बनाने का काम जोरों पर है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी को गूंदा जा रहा है। ये मिट्टी तैयार होगी और उसके बाद में इससे घड़े बनाए जाएंगे और दीपक बनाए जाएंगे। ये मिट्टी के दीपक बनकर तैयार हैं। और भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो मिट्टी के दीपक है इनको बनाया गया है। ये कच्चे दीपक हैं, सूखने के बाद में अग्नि में इसकी पकाई की जाएगी और फिर ये बिक्री के लिए तैयार होंगे। यहाँ के जो कुम्हार परिवार हैं, जो वर्षों से मिट्टी के दीपक और घड़े बनाने का जो काम कर रहे हैं, पैतृक काम जो कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस समय इस काम में इनकम इतनी नहीं है, जबकि परिवार का खर्चा काफ़ी है। बच्चों की पढ़ाई पर पूरा पैसा लगता है, घर परिवार चलाने में भी पूरा पैसा लगता है, लेकिन अभी भी इन्हें उम्मीद है कि मिट्टी के ये बर्तन बनाने के बाद जब ये दीपावली पर इसे बेचेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर इन्हें इन मिट्टी के दीपक और घड़े बेचने के बाद क्या लाभ हुआ, कितना बचा। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की कलाकृतियों को नए नए रूपों में ढालकर अपना जीवन बसर करने वाले कुम्हार दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं। मिट्टी के दिए, बर्तन और मूर्तियां बनकर तैयार हैं, लेकिन इसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं, जिससे कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूर्या समाचार अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बार एक मिट्टी का दिया कुम्हारों की खुशियों के लिए भी जलाएं। रोशनी और दीपक का त्योहार माने जाने वाले इस दिवाली पर आखिरकार कैसे तमाम घरों में दिए जलते हैं और किस तरह से पूरा घर जगमग होता है। हम फिलहाल गुरुग्राम के एक जगह है जहां एक कुम्हार है जो कि यहां दिए बनाने का काम करते हैं और ये दिए वही दीपावली की सबसे छोटी और मुख्य कड़ी होती है, जहाँ से ये तैयार होकर लोगों के घरों तक पहुँचते हैं। और किस तरह से ये दिए जब घर तक पहुँचते हैं तो कितनी मेहनत इन दिए के पीछे लगती है, हालांकि जो कारीगर इनको बनाते हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? मैं जी कर रहा हूँ इन्हें 20-25 साल हो ली इन्हें करते, कम से 50-60 साल हो ली मैंने। अच्छा, तो कितनी मेहनत इसमें लगती है, कितनी लागत लगाई थी? मैंने घनी लगाई थी। क्या क्या आप जो है मिट्टी का बना लेते हो और किस तरह का पहला प्रोसेस होता है? मिट्टी का तो इसमें तो जो तो हाथ का चाक है तो गोल बनेगा, सारी चीज़ बनेगी, घड़वा बना ले, कुछ भी बना ले, इसमें से जो कुछ बना ले, इसमें हाथी नहीं बनेगा, ना घोड़े घाड़े नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके बाद दियो का क्या प्रोसेस होता है, यहाँ से बनने के बाद क्या करें? ये फिर भी क्या है, पकाने पड़े हैं, इतना ही पर जलने लगा। अच्छा, पका के फिर बिकते हैं। तो इसमें पूरा कितना टाइम लग जाता है, किस तरह से लेकर शाम तक का टाइम लग जाए इसमें जब बनाएंगे? मेहनत पूरी लगती है, ये बात पक्की है, लेकिन इसमें आदमी चाहिए मौजूद कति, तीन आदमी तड़के लेकर शाम तक, तीन आदमी। ये 400-1000 बिक रहा सर, ये भी बता हमें मेहनत इतनी लगाते बहुत ज़्यादा। इसमें पहले सुखाना पड़ता है, फिर ये छानना पड़ता है, फिर भिगोना पड़ता है, भिगोने के बाद फिर इसे घोल काटते हैं जो सारी कक्कर निकल जाती है। कक्कर निकलने के बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, टाइट हो जाने के बाद इसको बनाते हैं अच्छी तरह गुथुका, इसको मिट्टी बनाते हैं। फिर आता है चाक पे, चाक पे इस पर चाहे दीवा तार लो, चाहे मटके तार लो, चाहे इस पर छोटा बड़ा बर्तन कोई सी भी तार सकता है। फिर इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है फिर इसको रंगाई पुताई करते हैं, जैसे कलर लगाते हैं, फिर इसको मट्टी पकाते हैं, जैसे ईंधन लगाते हैं। गोसा भी आजकल उपला भी आजकल 5 रुपए का एक हो रहा है। अब बताओ हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, मेहनत भी नहीं मिलती हमको। कुल मिला के बात करें तो मिट्टी की गुदाई से लेकर
इस पे चाक पे रखने के बाद से लेके पकाई तक रंग पुताई तक कितना खर्चा आ जाता है और कितना वक्त खर्चा आ जाता है? वक्त तो बहुत लग जाता है सर, खर्चा काफी लग जाता है, लेकिन ऐसा 11 लाख हो जाता है इसमें, दिवाली का खर्चा निकल जाता है। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मिट्टी के दिए से घर को रोशन करें और अपने जो देश की मिट्टी है उससे दिवाली मनाएं, लोकल चीज़ें ले, तो क्या मैसेज आप लोगों को? मैसेज लोकल चीज़ तो लेने, अपनी मेहनत की का बनाओ, अपनी देश की मिट्टी की बनाओ, अपने मन को बहुत बढ़िया। जो मिट्टी से बने हुए दिए हैं या बर्तन है, दिवाली के तौर पर पिछले सालों की अगर हम बात करें तो सेल आपकी बढ़ी है, बिक्री बढ़ी है या फिर कमी आई है? नहीं, कमी आती, जैसे मान ले त्यौहार जैसे हल्का जाता है, भारी जाता है, उसमें अब कने बचत नहीं होगी, अब कने ऐसा सही है, गुजारे लाख हो जाता है अपना, अब जीगा नहीं है बर्तन बनाने के लिए, क्या करें? अब जो भी सरकारी जमीन है जो इसमें बना रहे हैं, और नहीं तो इसके बाद तो फिर ख़त्म ही है, तुम्हारे को काम फिर है ही नहीं। थैंक यू जी। तो लगातार जो है मिट्टी के दिए बनाने से लेकर और किस तरह से मार्केट में पहुंचता है, ये सारा प्रोसेस हमने आपको जो है दिखाया था, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार ये कारीगर यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हालांकि अब इस काम में कमाई नहीं है, लेकिन देश की मिट्टी से लोगों के घर जो रोशन करने हैं, इसलिए इनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती हुई नज़र जरूर आती है, लेकिन कमाई के तौर पर ये जो बिजनेस है ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ अब जरूर दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक भी तेज रफ्तार से घूमने लग जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुम्हारों के चाक में ब्रेक लग रहा है। दिवाली के दिनों में ग्राहकों की पहली पसंद होती है मिट्टी के बर्तन, ऐसे में क्या आज के दौर में मिट्टी के बने बर्तन कम बनने लगे हैं या फिर उनकी डिमांड कम हो गई है, आखिर असल वजह क्या है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए एक समय था जब दीपों के त्योहार यानी दीपावली पर घर घर में मिट्टी के दीपक में तेल और बाती से जगमग रोशनी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दीपावली का त्योहार आते ही कुम्हारों को आस रहती है कि उनके जरिए बनाए जाने वाले मिट्टी के दीपकों की अब बिक्री होनी शुरू हो जाएगी और उनके परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से होने के अलावा उनकी दिवाली भी हैप्पी दिवाली होगी। यह हमारा दिवाली का काम दीपावली से 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। काफ़ी अच्छा काम चलता था, लेकिन बीच में चाइना का माल आने लग गया था, जिस वजह से हमें ऐसा आ गया था कि ये काम बंद कर दे, क्योंकि लोग हमारी मिट्टी के आइटमों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन जब से ये जनता ने इसका बहिष्कार करना शुरू किया है, तब से हमारी जो मिट्टी की आइटमें हैं, जैसे दिए हटड़ियाँ वगैरह हैं, उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि जो मार्केट में स्टील की जो आइटमें आ गई हैं दीपावली के पूजन के लेके, उससे भी हमारे कारोबार में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। देश भर में त्योहारों को लेकर बाजार सजे हुए हैं, रंग बिरंगी लाइटें और ग्राहकों की चहलकदमी से बाजार गुलजार हैं। ग्राहक अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आ रहे हैं। अक्सर इन दिनों मिट्टी के बनाए बर्तनों की काफी डिमांड होती है, लोग उसे बड़े ही चाव से खरीदते भी हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को बनाने में लागत और मेहनत काफी है। ऐसे में कुम्हार जाति के लोग इस काम में अब ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। चाक पर जो ये गोल हांडी तैयार हो रही है, इसे कारीगर बेहद ही नजाकत से आकार दे रहा है और फिर इसे धूप में सुखाने के बाद रंग कर बाजार ले जाकर बेचने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे में जो दाम मिट्टी के बर्तनों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ये कहना है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और बेचने वाले का भी। बात सिर्फ लागत और मुनाफे के अंतर की भी नहीं है, बल्कि आज के दौर में अन्य विकल्पों ने मिट्टी के बर्तनों की अहमियत को कम कर दिया है। यही वजह है कि कुम्हार जाति के कारीगर अब मिट्टी के बर्तन बनाने से परहेज करने लगे हैं। दीपावली पर दीपक जलाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन फिर भी चीन से आने वाली लाइटों ने बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है, इससे कुम्हारों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरत इन कारीगरों की तरफ सरकार को ध्यान देने की है, ताकि ये लोग अपना पुश्तैनी काम भी ना छोड़ें और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। त्योहारों का पर्व है और त्योहारों के पर्व में
ये ऐसे छोटे छोटे दीपावली पे दीवे आप देख सकते हैं मार्केट में, आपको बहुत कम दिखाई देंगे। अगर दिखाई देंगे तो ये दिए आपको बड़े बड़े मॉल्स के अंदर दिखाई देंगे और लोग अनदेखा करते हैं। ऐसे ऐसे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को जो दिए बनाते हैं बड़ी मेहनत से, मिट्टी के अंदर रंग में वो कला भरते हैं, यही वो दिए हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में महंगे दामों पर बिकते हैं। यानी कि त्योहारों के पर्व पर ये स्ट्रीट वेंडर बैठते हैं और अपने अपने घरों पर गांव में दो तीन महीने पहले दिए बनाने की शुरू कर देते हैं प्रक्रिया, और जब त्यौहार आते हैं तो सड़कों के फुटपाथ पर बैठकर दिन रात न आंधी की परवाह करते हैं न तूफान की परवाह करते हैं, बस निकलते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कि परिवार का पालन पोषण करेंगे। और लोग इनसे दिए खरीदेंगे तो इनके घर में भी दिवाली का पर्व होगा और खुशियाँ आएंगी। जाहिर है आज चाइना के आइटम बड़ी भारी संख्या में बड़े बड़े मॉल्स में ज़रूर दिखाई दे रही होगी, मगर कहीं ना कहीं बड़े बड़े मॉल्स में जाते हुए अनदेखा किया जाता है तो इन छोटे छोटे वेंडर्स को अनदेखा किया जाता है, क्योंकि ये साफ कहते हैं कि आग और लोग अगर हमसे दिया खरीदेंगे या दीपावली पर जो भी दीवे खरीदे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर में भी दिवाली की खुशियाँ होंगी। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र। दिवाली पर बाजारों में रौनक देखने को मिलती है, सभी लोग बाजारों में दीपावली की खरीदारी करने आते हैं। कुछ लोग शोरूम से खरीदारी करते हैं तो कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जो फुटपाथ पर बैठे लोगों से सामान खरीदते हैं ताकि उनकी दीपावली भी हैप्पी दिवाली हो सके। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली पर लोगों के घर की सजावट का सामान बेचने वाले फुटपाथ पर बैठे लोगों को नहीं पता कि वो दिवाली पर अपने घर की सजावट कर पाएंगे या नहीं। ये लोग जब अपने बाल बच्चों के साथ सामान बेचने घर से निकलते हैं तो इनको नहीं पता होता कि ये लोग कितना कमा पाएंगे, बस सुबह घर से निकल पड़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि उनका सामान बिकेगा और घर में पैसे आएंगे और वो भी अच्छे से दिवाली अपने बच्चों के साथ मना पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो शोरूम से सामान न खरीद कर इनसे सामान खरीदते हैं ताकि इन लोगों की दिवाली भी अच्छे से मने। सामान खरीदने आए लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शोरूम से तो सभी सामान खरीदते हैं और शोरूम में फिक्स प्राइस होते हैं, लेकिन इन लोगों से सामान भी अच्छा मिल जाता है और कीमत भी कम होती है। उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील की है कि इन लोगों से सामान खरीदें ताकि इनकी दिवाली भी अच्छी तरह से मने। इस बार दिवाली का बहुत बढ़िया चांस मिला है, बहुत ज़्यादा बिक्री है, जो कि चाइनीज से माल है ना बंद हो चुका काफ़ी भारत में आने से, और हमारे लोगों की बहुत तरक्की कर दी मोदी जी ने, और कुम्हारों के बारे में और भी सोच रहा है मोदी जी, और मोदी जी की राज में जो हुआ बहुत बढ़िया हो रहा है जी, सबसे ज़्यादा काम चलने वाला है। अब पूरा देश कोरोना से पहले डूब गया था, अब उभर गया, काफ़ी उम्मीद है जी हमें भी और आने वाले टाइम। मिट्टी का सामान कैसे बिक रहा है? मिट्टी का सामान तो बहुत बढ़िया बिक रहा है, आगे से ज़्यादा बिक रहा है पहले से, जो कि दीवे वगैरह सारी चीज़ें चाइनीज माल कम हो गया, हमारे लोगों को मिट्टी का माल ज़्यादा बिकने लग गया। अब लोग काफ़ी इस तरफ जा रहे हैं, दिया खरीद रहे हैं और पहले की जो परंपरा थी हमारी उसमें वापस लौट रहे हैं, और हमें बेहद खुशी है इस चीज़ की, इस वजह से हमारा भी घर परिवार अच्छे से चल रहा है। वहीं जब हमारी टीम ने फुटपाथ पर बैठकर दिवाली का सामान बेचने वाले लोगों से बात की तो उनका मन भर आया और वो कहने लगे कि हमें नहीं पता होता जब सुबह हम घर से सामान बेचने के लिए आते हैं कि हमारा कितना सामान बिक पाएगा और हमारा घर का खर्चा चल पाएगा या नहीं। हाँ जी, अच्छी रोशनी होती है दीवे से, मिट्टी के दिए ज्यादा लेते हैं लोग, शुभ होता है ये, और वो चाइनीज वाला कम खरीदते हैं लोग। हाँ, क्या वजह मानते हैं इसकी? इसको शुभ मानते हैं जी, मिट्टी को, करवा भी, मटका भी, दीवा भी, ये ज्यादा मांगते हैं। इस बार जैसे जैसे मोदी जी ने चाइनीज माल बंद किया ना, उससे हमारा काम दुगना हो गया ये, ठीक है। लोग दीवा खूब खरीद रहे हैं, दिवाली के हर आइटम खरीद रहे हैं मिट्टी का, और हमारा काम भी अच्छा चल गया, हमारी रोजगार भी बढ़िया हो गया इससे। बस थोड़ा सा ये चीनी मिट्टी का माल और वो जो ना वो चीनी मिट्टी का है उसमें सर वो इतना वो नहीं है, जो मिट्टी की चीज़ है वो मिट्टी की है, जो चीनी है मिट्टी है ना उसमें किसी चीज़ में भी वो नहीं है उसका थोड़ा। हाँ जी,
क्योंकि चीनी मिट्टी जो अपने लैटरिन की सीटें बनाते हैं वगैरह है वो उसी चीज की बनती है और ये मिट्टी है शुद्ध। यूं तो दीपावली पर्व छोटे से छोटे दुकानदारों के लिए खुशियों से भरा होता है, हो भी क्यों ना, इस समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। दीपावली पर एक तबका ऐसा भी होता है जो लोगों की इन छोटी छोटी खुशियों में अपने परिवार की बड़ी खुशियां यानी रोजी रोटी तलाशता है। बाजार में फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर ग्राहकों की ओर टकटकी लगा देखता रहता है। इन छोटे छोटे दुकानदारों में ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा दीपावली पर्व पर मिट्टी के दिए या मिट्टी से बने हुए बर्तनों के साथ साथ सजावटी सामान जिनमें तस्वीरें, पोस्टर, मूर्तियां, कैलेंडर सहित काफी सामान बेचा जाता है, क्योंकि ये सामान आम दुकानों पर नहीं मिलता था। लेकिन इस बार बदलते समय ने इन छोटे दुकानदारों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। अब ये दुकानदार कमाई तो दूर, अपनी लागत को भी निकालने में अक्षम साबित हो रहे हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग और बड़ी बड़ी दुकानों ने उनके रोजगार का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार छीन ही लिया है। अब यही फुटपाथ वाले सामान को ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से और बड़ी बड़ी दुकानों में बेहतरीन आकर्षक पैकिंग में बेचा जाता है। इसी के चलते ग्राहक ये सामान छोटे दुकानदारों से न खरीद कर बड़ी दुकानों और ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित हो चुका है। बेबस और नम आंखों से दुकानदारों ने बताया कि इस बार जहां एक तरफ उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शॉपिंग ने भी उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी भी बहुत होती है। डेकोरेशन के लिए भी हम लाइट्स समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। मार्केट में चीनी सामानों का कब्जा है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वालों के घरों में आमदनी की रोशनी का इंतजार अभी भी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जो मन की शांति एक मिट्टी के दिए से मिलती है वो आज की रंग बिरंगी रोशनी से कभी नहीं मिल सकती। ये हमें सिखाता है कि किस तरह खुद जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाई जाती है। दीपावली की रात में एक दीपक किस तरह अपने चारों ओर एक सुंदर प्रकाश को फैलाता है वो देखने लायक होता है। मिट्टी के दिए हमारे देश के कुम्हारों के हाथों से बनाए जाते हैं। इस दीपावली ऐसे गरीब कुम्हारों के हाथों में पैसे दें ताकि उस पैसे से उसकी भी दीपावली अच्छे से मने। वही मिट्टी के दिए जलाने के कई सारे फायदे भी होते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। हमारे देश में मिट्टी के दियों का चलन सैकड़ों दशक से है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि जब भी कोई खुशी की बात आई हो या किसी भी तरह के महोत्सव का आनंद लेना हो तो उस वक्त मिट्टी के दियों का महत्व बढ़ जाता था। लोग मिट्टी के दिए जलाकर घर, गांव और शहरों को रोशन करते थे। मिट्टी के दिए में एक अजीब सी महक और रोशनी होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। आइए अब आपको मिट्टी के दियों के कुछ फायदे गिनवाते हैं, जिसके बाद आप हर बार मिट्टी के दिए ही खरीदना पसंद करेंगे। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां और दिए इको फ्रेंडली होते हैं। बनावट, रंगाई और पकाने में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। दिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। दिए जलाने का धार्मिक महत्व भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारा दिया जैसे जो अपने हरियाणा का मशहूर है, पूरे ऑल इंडिया के अंदर दिया, जो कि लगभग सबसे ज्यादा अपना गुजरात महाराष्ट्र में जाता है। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम यहाँ से अभी गाड़ियाँ लोड होके गुजरात महाराष्ट्र में महानगरों में जा चुकी है। 15 से 16 गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर 4 से 5 लाख दिया आता है। इसमें इनकम तो अपने गुजारे लायक है, बाकी कहने में यूं दिख जाता है गाड़ियां लोड हो रही है, ये जो ट्रक हम लोड करते हैं, हम आसपास गांव से छुड़ानी, छोची, मांडोठी, झज्जर शहर के भी काफ़ी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी मदद से ही हम ये गाड़ियां लोड कर पाते हैं। और इसमें हार्ड वर्किंग, मिट्टी में आपको पता मेहनत कितनी है, इसमें सिर्फ अपना गुजारा ही हो पाता है। आधुनिकता के जमाने में हम रंग बिरंगी रोशनी कर अपने घरों को तो सजा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तरह तरह की उपलब्ध है, लेकिन दीपक का महत्व ही कुछ और है। मिट्टी के दिए जलाने से न सिर्फ हम अपने घरों को रोशन करते हैं
लेकिन ऐसे घरों को भी रोशन कर जाते हैं जहां शायद मिट्टी के दीपक न जलने से एक भी दिया न जले। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सूर्य समाचार अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि इस बार मिट्टी के दिए कुम्हारों की खुशियों के लिए भी जलाएं, ताकि वो भी आपके और हमारी तरह खुशी खुशी दीपावली का त्यौहार मना सकें। चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश जलाओ दिए खुशियों के लिए में इतना ही। जुड़े रहें सूर्य समाचार के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।